महायुद्ध निकट है। कलयुग को उसके चरम सीमा तक पहुंचाने का समय आ गया है। पृथ्वी पर अभी कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग एक ऐसा युग माना गया है जिसमें धरती पर पाप बढ़ता चला जाएगा और मनुष्य धर्म के रास्ते से भटक जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत के समय प्रलय जैसी परिस्थिति प्रकट हो जाएगी और सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा, जिसके बाद पृथ्वी पर नए जीवन की पृष्ठभूमि एक बार फिर से तैयार होगी और दोबारा एक एक कर सभी युग पुनः वापस आएंगे। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। कलयुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ बैकुंठ लौट चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। कलयुग के आगमन के समय अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पराक्रमी बेटे परीक्षित का शासन था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलयुग आने वाला है और उन्होंने उसे रोकने की भी तैयारी कर ली थी। हालांकि इसमें वे सफल नहीं हो सके और कलयुग मानव के रूप में आया और अपने छल से राजा परीक्षित से धरती पर रहने की अनुमति हासिल कर ली। एक बार राजा परीक्षित शिकार पर जा रहे थे, इसी दौरान उन्होंने रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और एक बैल और गाय को पीट रहा है। उस बैल के एक ही पैर थे। यह देखकर राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो इस तरह अत्याचार कर रहा है? तुझे ऐसे कामों के लिए तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देखकर कलयुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही वे यह समझ गए कि यह पूरी माया है क्या। दरअसल वह यह जान गए कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती माँ है। साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात हो गया कि यह कोई और नहीं बल्कि कलयुग है। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने उसे इस कृत्य के लिए क्षमा तो कर दिया है, लेकिन वह उनके इस राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। इस पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियमों की दुहाई देते हुए कहा कि महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है, ऐसे में आप ही कुछ उचित स्थान दें जहाँ मैं रह सकूँ। और यहीं कली को लेकर राजा परीक्षित से बड़ी गलती हो गई। कलियों के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए धरती पर जुआ, मदिरा, पर स्त्री गमन और हिंसा जैसी चार जगहें दे दी। इस पर कली ने प्रार्थना करते हुए कहा कि ये सभी स्थान तो ऐसे हैं जहां बुरे व्यक्ति जाते हैं, कोई एक ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता है। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे निकल गए। पर राजा परीक्षित भूल गए कि उन्होंने स्वयं स्वर्ण मुकुट पहना हुआ है। अब कली को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के ही सिर पर बैठ गया। इसके बाद जब राजा परीक्षित शिकार के लिए आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वह पास में मौजूद शमिक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज लगाई। ऋषि शमिक उस समय ध्यान में लीन थे और ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यही कलयुग ने अपना पहला असर दिखाया। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि शमी को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे शमी के पुत्र श्रृंगी को जब यह घटना मालूम हुआ तो उन्होंने राजा परीक्षित के 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग से डसकर मृत्यु हो जाने का शाप दे दिया। और हुआ भी ऐसा ही, तक्षक नाग के डसने से इसके बाद राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई और कलयुग को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया और वह पूरी दुनिया में धीरे धीरे छाने लगा। दोस्तों, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, यहाँ राक्षसों के शरीर हुआ करते थे, पर अगर कली की माने तो कली का कोई शरीर नहीं होगा। इस कलयुग में कली इंसानों के भीतर ही समाया रहेगा, जिसके वजह से इंसानों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और वो पाप करने को उतारू रहेंगे। कलयुग के 20,000 साल बाद मानवता की निर्मम हत्या होने लगेगी।
पैसे और सत्ता के लिए माँ बेटे एक दूसरे का विनाश का कारण बनने लगेंगे और सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाएगी, न धरती पर कोई फसल उग पाएगी और ना ही फूलों से धरती लहलहा पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु निर्जीव होकर रह जाएंगे। कलयुग के 5000 साल बाद पवित्र गंगा नदी भी सूख जाएगी और वापस वैकुंठ धाम लौट जाएगी। माना जाता है कि कलयुग के 10000 साल बाद सभी देवी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, कलयुग में चारों तरफ हाहाकार ही मचा रहेगा। लोग भूख प्यास से तड़प रहे होंगे, मर रहे होंगे और ऐसे में कलयुग अपने चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। विष्णु जी ने बताया था कि जब 7 साल की लड़की बच्चे को जन्म देगी तो समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया है और इसके कुछ समय बाद ही इस युग का अंत भी हो सकता है। इस घोर कलयुग में ही जब दुनिया क्रोध और नफरत से जल रही होगी तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर धरती पर जन्मेंगे। माना जाता है कि वो 1000 हाथी के जोड़े से भी ज़्यादा ताकतवर होंगे और वो पृथ्वी को आज़ाद कराने में 3 दिन का वक्त लेंगे। कलयुग के आखिरी 5 साल में पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होगी। कलयुग की आखिरी रात सबसे लंबी होगी, जिसके बाद 12 सूरज उगेंगे और तब तक चमकेंगे जब तक कि वो धरती का सारा पानी सोख नहीं लेते। यहाँ 12 सूर्यों का मतलब है कि पृथ्वी का तापमान लगभग 12 सूर्यों के मुकाबले बढ़ जाएगा।